पुलिस का जहाँ तक पुलिस से अपेक्षा है, पुलिस से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अब तक इस पूरे प्रकरण में 60 मुकदमे लिखे जा चुके हैं और 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें इंक्लूडिंग जो है संजू राजभर जो कि गैंगस्टर था। और इस पूरे मामले में सामने ये बात आई कि इस जिले में एक बड़ा शराब माफिया है जो काफ़ी वर्षों से चल रहा है, उसका नाम मुलायम यादव है। 2013 में काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, जिसमें उसकी संलिप्तता थी, वो जेल गया था और उस पर गैंगस्टर लगा हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो वहाँ से जेल से बाहर आ गया और बड़े पैमाने पर उसके द्वारा शराब की इस जिले में सप्लाई की जाती थी। और जाँच में प्राथमिक तौर पर यह सामने आया कि मुलायम यादव का ही ये सिंडिकेट है जिसकी वजह से ये सारी की सारी शराब की सप्लाई हुई थी, जिससे लोगों की जान गई। और इसके साथ ही एक नया तथ्य सामने आया कि कुछ पुलिस कर्मियों को मुलायम यादव ने फ़ोन करके धमकी दी कि अगर इस मामले में हमारे पीछे कोई पड़ेगा तो हम इससे भी बड़ी कार्रवाई करा सकते हैं और जहरीली शराब वगैरह का हम सप्लाई करा सकते हैं। तो हमारी टीम वो वांछित है, हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है। एक गैंगस्टर अरेस्ट है और जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके रासुका की कार्रवाई करें, ताकि ज़िले में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। पुलिस हर चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है, चिन्हित किए जा चुके हैं जो अपराधी हैं और वो सारे के सारे जेल के भीतर जाएंगे। धन्यवाद।